बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शैतानुर्रजीम सुनते कान और देखती आंखों को ज़ेर भाई का सलाम। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब दोस्त खैरियत तो आफियत से होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले काम ये करते हैं कि आज इस बैटरी को करते हैं सोलर प्लेट पर, ताकि ये बैटरी सेफ रहे, रात को यूज़ करनी है। दोस्तों वो जो कल सामान आया था, क्रश और रेती वगैरह, वो भी अंदर आ रहा है खोतों पर। तो दोस्तों चलिए आज चलना है हमें अबू के साथ ड्यूटी पर, क्योंकि उसके बाद हमें जाना है एक और काम से। वो कौन सा काम होगा मैं आगे चलकर आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों फाइनली हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, गाड़ी खड़ी कर दी है। तो दोस्तों फिर वक्त में निकलना है जल्दी से सिटी की तरफ, वहां पर थोड़ा सा काम है। तो फाइनली हम आए हैं सिटी और लिए कुछ अजरकें और आए हैं रिफ्रेशमेंट करने। तो दोस्तों चलिए रिफ्रेशमेंट करते हैं, पराठे वगैरह अंडों का। फाइनली चले अब चलते हैं। दोस्तों फाइनली मैं अपने गंदम की फसल पर पहुंच चुका हूं। तो सामने कुछ ख्वातीन हैं जो कि काम कर रही हैं, मैं वीडियो उनका रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अलाउड नहीं है ये सब करना। दोस्तों ये आप गंदम की फसल देख सकते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी है। बस ये जो हवाएँ चली हैं, एक या दो दिन चली, तो बिल्कुल ये सोने की तरह चहलना और टहलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों चलिए इसका अच्छा सा शॉर्टेज लेते हैं सेफ्टी के साथ, ताकि खवातीन ना आ सकें। चलिए दोस्तों फाइनली गंदम की व्यू भी मुलाहिज़ा फरमा दिया आपने, तो चलिए अब चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली यार गाड़ी को खड़ा कर दिया है पीछे, तो चलिए आज दरिया का व्यू लेते हैं। बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही थी थोड़ी देर पहले, लेकिन अब शांति सी हो चुकी है और अब दरिया का व्यू भी देखने लायक है। तो दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं और ये दूर से देख सकते हैं जो कि पानी की सेफ्टी के लिए यहाँ लगाया गया था। और फिलहाल कश्ती भी खड़ी हुई है, दूर से आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूं। तो दोस्तों और फिलहाल दरिया भी बिल्कुल शांति में है, आप ये देख सकते हैं। तो चलिए मज़ीद करीब से चलकर आपको दरिया दिखाते हैं आज। तो दोस्तों देखें कि किस तरह से ज़बरदस्त तरीके से दरिया बह रहा है, और ये पानी की जो कि लहरें हैं कुछ देर पहले आते तो आपको दिखाने के लायक थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ही रेत थी जो कि आप दूर से देख सकते हैं। ये रेत यहाँ पर खड़ा होने भी नहीं देती क्योंकि डायरेक्ट आकर आँखों में लगती है। एक छोटी कश्ती है, वो भी बह रही है पानी में, वो भी मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। तो दोस्तों वो रही छोटी कश्ती, जूम करते हैं। दोस्तों देखें
आई होप कि ये माहौल आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। और ये नीचे ऊंचाई भी देख सकते हैं आप, कितनी बड़ी ऊंचाई है नीचे। तो दोस्तों चलिए अब एक अच्छा सा साइनमेटिक सीन लेते हैं। आपने व्यू मुलाहिज़ा फरमा लिया। अब यहाँ नीचे लोग मछली का भी शिकार कर रहे हैं आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये देखें यहाँ पर कितनी गहराई है और कितना ख़तरनाक है, लेकिन फिर भी यहाँ मछली का शिकार किया जा रहा है। तो दोस्तों चलिए अब बिना देर के चलते हैं अपने घर की तरफ, और वो रही गाड़ी, तो चलिए अब चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये 2 दिन चलने वाला व्लॉग कैसा लगा आपको? आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलेंगे हम आपसे अगली एक और नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।